नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सरयू तट पर हैं और इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि विभिन्न टीवी चैनलों का जमावड़ा लगा हुआ है। कवि कुमार विश्वास एक चैनल पर बोल रहे हैं तो कोई दूसरा कवि या संत किसी दूसरे चैनल पर बोल रहा है। लगातार आप देख सकते हैं मीडिया का जमावड़ा है और इन लोगों को सुनने के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और सनातन का जो जश्न चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरह का माहौल है उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए आपको दिखाते हैं। बाबा जी, पूरी अयोध्या, पूरा देश राममय हो गया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। कामी ही नारी पियार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हूँ मोहिराम। बार बार बर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्त सदा सत्संग। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोसम पतित अनाथ के पति राखो भगवान। अर्थ न धर्म न काम रुच गति चाहो निर्वाम, जन्म जन्म श्री राम पद ये अंतिम वरदान। बस केवल एक चीज चाहते हैं, राम आन है, राम शान है, राम हमारी मर्यादा, राम प्राण है, राम ज्ञान है, राम हमारी परिभाषा, राम तंत्र है, राम मंत्र है, राम हमारी अभिलाषा, कण कण में राघो है रमते, राम सभी की परिभाषा, राम के अलावा संसार में न कुछ था, न है, न रहेगा। और एक चीज और देखने को मिल रही है कि प्रशासन मना कर रहा है कि अभी मत आइए, लेकिन राम भक्तों से रोका नहीं जा रहा, राम भक्त बस उमड़े चले आ रहे हैं। देखिए, राम को रोक नहीं पाए कालांतर के अपराधी कोई, लड़ने वाले लड़ करके थक गए, रुक नहीं सका। जो राम को रोकने में आज तक सफल नहीं हुई, राम के भक्तों को रोक नहीं सकता है। जब गोली नहीं रोक पाई, मौत नहीं रोक पाई, तो संसार क्या रोकेंगे। राम भक्त आए थे, आएंगे, अब की बार कोई पीड़ा नहीं है, सम्मान से आएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का उपवास रखा, देश के प्रमुख राम मंदिरों में जा रहे हैं और विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया, आपको क्या लगता है? जब पाप बढ़ता धर्म घटता, विश्व का अर्जुन कभी, मैं धर्म रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ तभी, फिर साधु की रक्षा करूँ मैं, दुष्ट का संहार कर उत्थान करता धर्म का, युग युग सदा अवतार धर, भगवान का अंश के रूप में अवतरित हो गए हैं, देश का गौरव है। माननीय प्रधानमंत्री जी कल यहाँ पधारेंगे, काल रात्रि का अंतिम समय है, कलंक की रात्रि समाप्त होगी, विजय दिवस प्रारंभ होगा, कलयुग में त्रेता युग आएगा, रामराज की स्थापना का संकल्प साकार होगा, आने वाला समय सबकी सुख शांति के लिए होगा। सर्वे होम सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की कल्पनाएं साकार होंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।